हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं शेजवान पनीर चिली। शेजवान पनीर चिली ये एक इंडो चाइनीज स्टार्टर रेसिपी है, जिसके लिए हमें चाहिए ये 250 ग्राम ऑफ पनीर लिया है, ये दो प्याज है जिसे मैंने ऐसे लंबे से कट करके लिया है, ये दो छोटी साइज की शिमला मिर्च है जिसे मैंने लंबे से कट करके लिया है, ये कुछ स्प्रिंग ऑनियन है जिसे मुझे गार्निशिंग के लिए लगेगा, ये कॉर्नफ्लावर है, ये मैदा है ऑल पर्पज़ फ्लावर, ये जिंजर पेस्ट है, ये गार्लिक पेस्ट है, ये शेजवान सॉस है, ये गार्लिक है जिसे मैंने बारीक कट करके लिया है, इसके साथ ही एक हरी मिर्च है जिसे मैंने लंबे से कट करके लिया है, ये जिंजर है जिसे भी मैंने बारीक कट करके लिया है, ये ब्लैक पेपर पाउडर है और नमक हमें स्वाद अनुसार लगेगा। आइए पनीर चिली बनाना शुरू करते हैं। ये हम पहले पनीर इस बाउल में निकाल लेते हैं। ये हमारा पनीर बहुत ही सॉफ्ट है जिसे हम थोड़ा सा जिंजर और थोड़ा सा गार्लिक से मैरिनेट करना है। इसके साथ ही मैं ये हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालती हूँ और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालती हूँ, इसे मैंने मुझे डस्टिंग करना है। इन सब चीज़ों को मैं एकदम अच्छे से मिला लूँगी। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से इसे करना है क्योंकि पनीर बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये हमारा पनीर बहुत ही सॉफ्ट है, इसे मैरिनेट करने के लिए मैंने इसे अच्छे से प्लेट में निकाल लिया था और उसे अच्छे से जिंजर गार्लिक और ब्लैक पेपर पाउडर से मैरिनेट करके लिया है। ये मैंने 5 मिनट के लिए रखा था। अब हम इसके लिए कोटिंग के लिए ये 2 टेबलस्पून में कॉर्नफ्लावर लेती हूँ, 2 टेबलस्पून में मैदा लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा ही नमक मैं डाल रही हूँ। इसके मैं पेस्ट बना लेती हूँ, ये अच्छे से मिलाकर। मैं इसमें पानी डाल के अच्छे से पेस्ट बना लेती हूँ। ये पेस्ट हमें ज़्यादा पतली नहीं करनी है। ये मैरिनेशन के लिए हमने रखा था, 5 मिनट के लिए मैरिनेट करके लिया है। अब हम ये मैंने बैटर बना के लिया है मैदे का और कॉर्नफ्लावर का, जिसको जिसमें मैं ये पीस डाल के फ्राई कर लेती हूँ। ये ऑयल मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रखा था, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये पीसेस डाल देते हैं। हमारा पनीर अच्छे से गोल्डन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये इस तरह से हमने पूरा पनीर फ्राई करके लिया है। हमारा पनीर बहुत ही अच्छा बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। मैं आपको एक दिखाती हूँ तोड़ के। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये अंदर से कितना सॉफ्ट है और बाहर से कितना क्रंची है। हमारा पूरा पनीर फ्राई हो चुका है। ये मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक डालेंगे।
ये गार्लिक है, गैस का फ्लेम बड़ा करती हूँ। इसके साथ ही हरी मिर्च है, एक हरी मिर्च मैंने कट करके ली है, ये जिंजर है, प्याज है लंबे कट करके लिए हैं, और ये शिमला मिर्च है जिसे भी मैंने लंबाई कट करके लिए है। गैस का फ्लेम बड़ा रखना है, वेजिटेबल को एक मिनट कुक करना है हमें। हमारे वेजिटेबल एक मिनट के लिए कुक हो चुके हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और ये शेजवान चटनी है जो मैंने 3 टीस्पून ली है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। हम 2-3 टेबल स्पून पानी डालेंगे, पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, हमें सिर्फ कोटिंग कंसिस्टेंसी बनानी है। हरे प्याज हम इसमें डालेंगे, अब थोड़ा सा हरा प्याज हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। एक 2 टीस्पून पॉलिश पानी मैंने पहले डाला था और 1 टीस्पून मैं अभी डाल रही हूँ। सॉस को हमें आधे मिनट के लिए पका लेना है। ये हमारा सॉस उबल चुका है, अब हम इसमें ये पनीर के पीसेस डालेंगे। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। सॉस में हमें पनीर को सिर्फ आधा मिनट ही रखना है। ये हमारा पनीर बन चुका है, बहुत ही अच्छा बना है। गैस की फ्लेम मैं ऑफ कर लेती हूँ और इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये हमारी शेजवान पनीर चिली की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है, ये बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।